सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में स्वागत है आप सभी को। और आज के इस वीडियो में हम आए हैं यहाँ पे औरंगाबाद में गेट स्कूल के नाम से जो जाना जाता है। मैं बताऊंगा इस स्कूल का स्थापित कब से हुआ था, मतलब इस स्कूल में, मतलब ये कॉलेज भी है स्कूल भी है, और इसका स्थापना कब हुआ था, किसने इसको बनवाया है, किस जमाने का ये कॉलेज है, तो मैं इस वीडियो में पूरा बात करूँगा, पूरा दिखाऊँगा आप सभी को। और इस ब्लॉग में आपको पूरा हम दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया मेन गेट गेट स्कूल का, ओके। और चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों ये है मेन गेट, और जस्ट इसके बाउंड्री देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कलरफुल यहाँ पे पेंटिंग किया गया है, प्रिंटिंग किया गया है तो काफ़ी मस्त है। और इधर भी अच्छा बाउंड्री दिया हुआ है। और एक यहाँ पे एक भवन है जो ये देख सकते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा भवन है, तो इसको भी दिखाएंगे। और चलते हैं अभी सीधा। तो ये जो स्कूल का नाम है अनुग्रह इंटर, जिसको गेट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, और इंटर कॉलेज औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अभी इसके अंदर। तो जस्ट अभी इसके अंदर अभी हम चलते हैं। सो गाइस, ये है पीछे बाउंड्री, और ये है मेन रास्ता, और इधर से भी मार्केट चला गया, और इधर से मेन रोड, ओके। तो जस्ट अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी लॉक है, मतलब अभी क्लोज है, तो इसके अंदर तो अभी हम नहीं जा सकते हैं। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर जाएंगे, मतलब जिसे गेट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम लोग बहुत पहले जब 10th क्लास में जब पढ़ते थे तो आते थे, और काफ़ी इसमें हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो इसमें सेंटर भी दिया करता था तो देने आते थे। और इसके जस्ट बगल में है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, तो इसमें भी चलने वाले हैं। तो जस्ट अब चलते हैं उसके अंदर। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ का पेंटिंग कितना झकास पेंटिंग है, मस्त। ये बैडमिंटन खेलते हुए ये पंगा लड़ा रहा है भाई, इसको पकड़ते हैं बॉडी, इसका बॉडी कहाँ आ गया, इसका आर्म है, ये तो मस्त लग रहा है, ये अच्छा कलरफुल है, ये क्या कर रहा है भाई सर, ये रेस्ट ले रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पे मस्त सिनेमैटिक सीन है यहाँ पे, ये देखो आप बेंटन के जैसा सीन है यहाँ पे, तो काफ़ी मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइज, इसके अंदर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक छोटा सा रास्ता, ठीक है, और एक है बड़ा सा रास्ता, तो ये है बड़ा सा रास्ता। तो चलते हैं इस रास्ते से और दिखाते हैं यहाँ का सीन, मतलब इसके अंदर क्या सीन है, कितना बड़ा है, तो चलिए दिखाते हैं। गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है बहुत बड़ा वाला गेट, ठीक है, ये है प्लेग्राउंड, इस टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड में आप देख सकते हैं, अब ये ग्राउंड में भी मैं आया था अपने जब रनिंग जब करता था, जब सुबह सुबह, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग जब करते हैं, आर्मी का ट्रेनिंग करते हैं या पुलिस का ट्रेनिंग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का, मतलब अगर सेना का ट्रेनिंग करते हैं तो इसी ग्राउंड में यहाँ पे रनिंग होता था, मतलब। और यहाँ पे है बीम मारने वाला भी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे और ट्रेनिंग करते थे, तो इसके दौरान हम भी यहाँ पर आए थे एक दो बार, और काफ़ी यहाँ पर सेमिनार भी लगा था, तो सेमिनार में हम लोग यहाँ पर अटेंड किए थे, तो उस समय भी आए थे। काफ़ी बहुत बड़ा ग्राउंड है, और एक दो बार यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी तो हम लोग यहाँ पर आए थे, और काफ़ी इस ग्राउंड को हम लोग मज़े लिए हुए हैं। और वो देख सकते हैं वहाँ पे जो स्कूल है, जिसको मैं दिखा देता हूँ जूम करके, तो काफ़ी मस्त यहाँ पे सीन है स्कूल का। अगर अंदर से अभी तो समय मिला नहीं क्योंकि क्लोज था, अंदर से इतना मस्त लगता है पूछिए ही मैं, तो समय मिलने पे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ओके। तो जूम आउट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पर घूम करके। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और फिर आप लोग के लिए मैं नए वीडियो इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा। तो अब हम यहाँ से समाप्त करते हैं इस वीडियो को।